क्या यूनाइटेड नेशंस की जानिब से दिए गए ये जो आलमी बिरादरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल की इस इशू को लेकर, क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पर इन स्टेटमेंट्स का कोई असर होगा या भारत को जो है शायद कुछ घबराहट होगी इन स्टेटमेंट से या इस विजिट से? देखिए नीलम, बात यह है कि इंडिया ने ये जो हरकत की है, चाहे 370 वो की है या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाए, ये सारे के सारे उसने मेरे ख्याल में बड़ी ताकतों के मर्जी से बनाई हैं, और उसके बाद इसलिए वो बड़ी हठधर्मी से उसी के ऊपर कारबंद भी हैं और उस पर कोई असर नहीं हो रहा। बात यह कि देखें, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मसला हल होना चाहिए, मुजाकरात होने चाहिए, इंसानियत मुलाजमें तशवीश है। बात यह कि वी डोंट वॉन्ट रिटोरिक्स, वी डोंट वॉन्ट लिप सर्विस, वी वॉन्ट एक्शन नाउ, और वो एक्शन है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड कोई 1948 से इशू चला रहा है, उसके बाद कितने ज़्यादा रेजोल्यूशन हैं, यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैनात हैं, इसका मतलब ये है कि ये उनका रिकग्नाइज डिस्प्यूटेड एरिया है।